हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मिला परम विशिष्ट सेवा मेडल। जी हां, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। गौरतलब है कि ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट 24 वर्षीय नीरज सेना की रेजिमेंट 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का नया अवतार उत्तराखंड की टोपी व मणिपुरी गमछे में दिखे। जी हां, देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश की आजादी से अब तक शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान उत्तराखंड की टोपी में दिखे, वह मणिपुर के गमछे में भी नजर आए। भारतीय रेलवे ने कहा, पटरियों पर प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से किया जा सकता है बैन। जी हां, रेल मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि रेलवे की नौकरी के इच्छुक कुछ उम्मीदवार पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, संपत्ति को नुकसान जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। बकौल रेल मंत्रालय, दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार के दफ्तरों में नेताओं की नहीं बल्कि अंबेडकर व भगत सिंह की लगेगी तस्वीरें। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पूर्व एक समारोह में कहा कि राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में राजनेताओं की नहीं बल्कि बीआर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी। उन्होंने कहा कि दफ्तरों में मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें नहीं होंगी। बकौल केजरीवाल, अंबेडकर का सपना था कि देश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जल्द आएगी ओमिक्रॉन वैक्सीन, फाइजर और बायोटेक ने क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया। जी हां, फाइजर और बायोटेक ने ओमिक्रॉन आधारित वैक्सीन का उम्मीदवार की सुरक्षा, सहनशीलता और इम्यूनोजेनेसिटी का मूल्यांकन करने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की। अध्ययन में 18 से 55 वर्ष की आयु के 1420 स्वस्थ वयस्कों का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन में 3 समूह होंगे जो वर्तमान फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के विभिन्न नियमों की जांच करेंगे। दुनिया के भ्रष्टाचारी देशों की रैंकिंग जारी, भारत 85वें नंबर पर तो पाकिस्तान 140वें स्थान पर। जी हां, दुनिया की जानी मानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत को एक रैंकिंग का फायदा हुआ है और वह 85वें स्थान पर पहुंच गया है, तो वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में 124 से गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। यूपी चुनाव को लेकर कोर्ट ने आजम खान को जेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी। जी हां, सपा के नेता आजम खान को अदालत ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीतापुर जेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट की मंजूरी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की टीम और प्रस्तावक सीतापुर जेल पहुंचे, जहां आजम खान बंद हैं। जमीन हथियाने अतिक्रमण आदि के दर्ज मामलों में आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।